बिंद्रवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंचायत घर से खिलड़ू जाने वाले रास्ते को बने हुए 10 साल हो गए, लेकिन इस रास्ते के बीच में एक नाला पड़ता है जो बरसात के समय में अपने उफान पर होता है, जिसे स्कूल आने जाने वाले बच्चों और स्थानीय लोगों को इस रास्ते से जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके चलते लोगों को लंबे रास्ते बाया SSB चौक होकर आना पड़ता है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक छोटी पुली बननी है जिसे जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी शॉर्टकट है जिसे लोगों को बिंद्रवन जाने में काफ़ी सहूलियत रहती है और कम समय में वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन पुली ना होने के कारण बरसात के समय लोगों को काफ़ी लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। ये इस रोड को 10 साल हो गए बने हुए ना, ये पुली नहीं बन रही है, ये काफ़ी पानी बहता है, इसमें बच्चों का भी खतरा रहता है, ये ज़रूरी है बनना, जो आते जाते पार भी गांव है, ये आम रास्ता है, ज़रूरी बननी चाहिए। यहाँ से कौन से लोग जाते हैं, जैसे यहाँ से मेन खिल्लू का जाता है, मेन रोड खिल्लू का है। मैं उपप्रधान ग्राम पंचायत बिंद्रवन, ये जो रास्ता पंचायत घर से लेकर खिलड़ू तक जाता है, इस रास्ते में पुली का निर्माण होना है। पुली के निर्माण होने की वजह से यहाँ लोगों को, पुली ना होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को जो कि बिंद्रवन में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल बिंद्रवन में, लोगों का डिपो जो है वो भी बिंद्रवन में है, तो लोगों को सारा सामान जो है वो इसी रास्ते से पैदल ही ले जाने पड़ता है, तो बरसात के दिनों में ये नाला जो है वो काफ़ी भर जाता है। तो मेरी विभाग से भी इस बारे में बात हुई कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो पुली का निर्माण जो है वो किए जाए, ताकि लोगों को यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत ना रहे। ये रास्ता 10 साल पहले PWD के थ्रू ही यहाँ तक बनाया गया, लेकिन आगे ये रास्ता छोड़ दिया गया। अब पता नहीं इसमें किसकी लापरवाही है, विभाग की लापरवाही है कि किसी और की लापरवाही है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस पुली को या बरसात के दिनों में इस नाले को सुचारू रूप से जो है चालू किए जाए, अन्यथा बरसात के बाद जो है यहाँ पर पुली का निर्माण जो भी किया जाए। धन्यवाद। नाला है यहाँ पे पुली जो पुली पड़नी है, और इस पुली बनने के बाद ये जो वार्ड नंबर 2-3 खिलड़ू के लोग जो हैं वो बाया SSB चौक घूम के आते हैं, उनको बाया SSB चौक घूम के नहीं आना पड़ेगा, और इसी रास्ते से जो है वो पंचायत घर, गवर्नमेंट स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हालांकि लोगों का डिपो भी जो है वो ये इसी रास्ते से होके उनको नज़दीक पड़ेगा। साल हो गए, हाँ, इस रोड को बने हुए 10 साल हो गए। इस रोड के आगे पुली बननी थी, लेकिन विभाग ने कोई इसमें पुली का प्रावधान नहीं रखा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिनाज की रिपोर्ट।